अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, तुलना मत करना। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। आज मैं एक कहानी बता रहा हूँ। एक कौवा था, अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया। एक साधु महाराज जो तपश्चर्या कर रहे थे उनके पास में गया। बोले, साधु महाराज मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गया। ये क्या मेरी जिंदगी है, इतना काला काला मैं दिखता हूँ, लोग मुझे मारते हैं, पिटते, भगा देते, मैं कहाँ बैठा, तो सिर्फ मैं काम आता हूँ, लोगों का श्राद्ध है तब, या मृत आत्मा के जो पिंडदान होता है वो पिंडदान के समय वो पिंड को मुझे छूना पड़ता है, बस उस समय मेरा महत्व है। ये क्या जिंदगी है, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, आप मुझे बतख बना दो, डक। तो साधु महाराज बोले, ठीक है तुम्हारा जो कहना है मैं तुमको बतख बना दूंगा, पर आप ऐसा करो उसको जाके पहले पूछो कि आप कैसे हो और क्या ठीक हो कि नहीं हो। बोले, ठीक है मैं जाके पूछता हूँ। कौवा बतख के पास में गया। बोले, वाह तेरी क्या जिंदगी है, क्या पानी में तैर रहा है, क्या पैर मार रहा है, क्या पेडलिंग कर रहा है पैर का, क्या लोग वहाँ पानी के किनारे पे खड़े हैं और तेरी फोटो खींच रहे, सफ़ेद सफ़ेद कितना अच्छा रंग है, क्या मस्त चल रहा है, क्या तेरी भी जिंदगी है, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, क्या खुश है तू ना। बोले, तू क्या बात कर रहा है बतख। बोले, ये भी क्या मेरी जिंदगी है, लोग आते फोटो खींचते निकल जाते, कुछ दाने फेंकते मैं कुछ खाता हूँ, कोई मेरी कीमत है। ये तो श्राद्ध पक्ष वाले जो लोग हैं जो कपड़े सफ़ेद पहनते हैं, मेरा रंग है, लोग जब श्रद्धांजलि अर्पण करते तब ये रंग पहनते हैं और ये रंग पहन के जाते हैं, ये रंग को कुछ महत्व है। मैं तो चाहता हूँ कलर बिलर रहे, बहुत मज़ा आ गए। देखो वो तोता जो है क्या बेहतरीन है, चांस दिया ना भगवान ने तो मैं तोता बनूंगा तोता। बोले, चल हम साधु महाराज के पास में जाते। दोनों साधु के पास में आए। बोले, हम दोनों को तोता बनाओ, पैरट, बहुत मज़ा आ जाएगा। बोले, जाके उसको पूछ लो कि तू कैसा है। ये दोनों भी वहाँ जाते, भागते भागते जंगल में जाते हैं, वहाँ देखते कि तोता कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल में काटते रहते चक्कर इधर से उधर, पर एक झाड़ के ऊपर एक तोता बैठता है। बोले, वाह तोते क्या मज़ा आ रहा है तेरे को, हमें तो ज़िंदगी में तोता बनने की इच्छा है, तेरे जैसा तोता बनो तो क्या ज़िंदगी हो जाएगी, मज़ा है ना तेरी, हरा हरा है, मस्त लोग पालते हैं, खाना खिलाते हैं, बादाम काजू खिलाते रहते हैं, तेरे को सिखाते रहते अलग अलग, लोगों को वेलकम करता हूँ घर में तू, क्या मज़ा है तेरी ज़िंदगी में, वाह क्या बात कर रहा है। बोले, मैं तो अभी छूट के आया हूँ पिंजरे से, वो क्या मेरा जीना है, कब पकड़े जाऊँगा मालूम नहीं, कब फिर से पिंजरे में जाऊँगा मुझे मालूम नहीं, आपने तो मुझे ये हरा रंग है, आपने तो ढूंढने कितना समय लगा दिया ये हरे पत्तों के बीच में, ये क्या रंग है, इसमें कुछ मज़ा आ रहा है। बोले, क्या है ज़िंदगी है, मैं तो तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, मुझे तो बनना है मोर। बोले, चल हम साधु महाराज के पास में जाते। तीनों भी साधु महाराज के पास में गए। बोले, हम तीनों भी खुश नहीं है, हमको ऐसा करो मोर बनाओ, मोर पीकॉक। बोले, ठीक है मैं आपको पीकॉक बनाता हूँ, आप जाके उसको पूछो कि भाई आप कैसे हो। सब तीनों भी भागे भागे पीकॉक के पास में जाते हैं, मोर उनको दिखाई देता है जंगल में। बोले, वाह तेरी क्या जिंदगी है, तू तो राष्ट्रीय पक्षी है, क्या तेरी चाल, क्या तेरी ढाल, क्या तेरा रंग। मोर पीस जो है लोग तो फोटो खींचते हैं, लोग बोलते हैं कि बस मोर ने अपने पीस जो है वो जो ऐसे फुला दिए तो बस अभी बादल आएंगे, बादल बरसेंगे, है ना, क्या तेरी चाल है, क्या तेरा रंग है, क्या तेरा मिजाज है, तो हमको तो मोर बनने का। क्या जिंदगी है, सच्ची आपको मोर बनना है, ये क्या जिंदगी है मेरी। बोले, रुको देखो कौन सी आवाज आ रही है, मुझे तो डर लग रहा है कभी शिकारी आ जाएगा और मुझे मार देगा, मेरे जो पंख जो है वो सब पीछे जाएंगे, इतना डर है, इतना डरा हुआ रहता हूँ। बोले, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कौवा बनूँ। देखो कौवा। बोले, तूने कभी देखा है कौवे को, पूछता है वो, मटन बिरयानी तूने सुना है। बोले, हाँ मटन बिरयानी। बोले, चिकन बिरयानी सुना है, हाँ चिकन बिरयानी। कभी कौवा बिरयानी सुना है। बोले, कभी सुना नहीं है कौवा बिरयानी। क्यों, क्योंकि कौवा कौवे को मार के कोई बिरयानी बनाता नहीं है, कौवे को कोई मरने का डर ही नहीं है। कौवा बोले, तू क्या पंछी है, कोई तुझे मारने आएगा नहीं, कोई तुझे डर नहीं है, उल्टा तेरे को कितनी कीमत है जब कोई मर जाता है तो। मैं तो कौवा बनना चाहता हूँ, कौवे को बनना है बतख, बतख को बनना है तोता, तोते को बनना है मोर, और मोर को बनना है कौवा। हर आदमी अपने अपने स्थिति में खुश नहीं है, हर एक को लगता है कि मेरे सारी से उसकी सारी सफ़ेद क्यों है, और वही सफ़ेद अच्छी। हमको दूसरों की नौकरी अच्छी लगती है, दूसरों की गाड़ी अच्छी लगती है, दूसरों का घर, उनका घर का रंग, सभी लोगों का अच्छा लगता है सिवाय हमारे। हमको लगता है कि नहीं, मैं जो हूँ वहाँ ठीक नहीं हूँ, मैं तो उनके जैसा बनना चाहता हूँ। कभी भी अपनी तुलना लोगों से मत करो। हर आदमी जो है वो अपने जगह पे उसको लगता है कि मैं तो दूसरे आदमी जैसा बनना चाहता हूँ, दूर से अपने को सभी अच्छा दिखता है। आप जो है अपनी जगह पे ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं मज़े करो,
खुश रहो, जीवन अभी जीने का है, राइट नाउ, कल नहीं परसों नहीं उसके जैसा नहीं, जो भी है वो कभी भी किसी से तुलना मत करो, नेवर नेवर एवर कंपेयर, कभी तुलना मत करो, आप कभी खुश नहीं होंगे। आप जो भी कुछ है आप बिल्कुल बहुत बढ़िया है, 760 करोड़ की ये पॉपुलेशन है, इसमें आप एकमेवाद्वितीय हो, आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है, मजे करो, सुखी रहो, शांति से जीवन जियो, बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। हमारे हॉस्पिटल में हम बिना रिश्तेदार लोगों को भर्ती करते हैं, आक्रामक पेशेंट है, हिंसक पेशेंट है, शराबी है जिसको शराब छोड़ने की है, या कोई नशीले पदार्थ छोड़ने के है, या मंदबुद्धि का है, आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं, उनको हम दाखिल करेंगे, उनका इलाज करेंगे, अकेले रखेंगे और महीना दो महीने के बाद में उनको घर पे वापस भेज देंगे। सो इसमें हम आपके साथ में सपोर्ट लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।